ठीक, तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग्स। ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसे तो स्प्रिंग की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, थ्योरी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक स्प्रिंग को जब खींचते हैं बाय एक्स, एक्सपैंड होता है स्प्रिंग, तो फोर्स कितनी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, एफ इज इक्वल टू के एक्स विद नेगेटिव साइन, रिस्टोरिंग फोर्स है। और स्प्रिंग को खींचने के लिए वर्क डन कितना लगता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल। लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग्स के अंदर पहला एग्जांपल है, मान लो ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, ना इसमें कोई फोर्स है ना इसमें कोई एनर्जी है। बनाते जाओ साथ साथ। लेट अस सपोज आपने एक मास इसके नीचे सस्पेंड कर दिया और ये यहां पे आके रुक गया, ये रहा, ये यहां पे रेस्ट पे है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब आपने मास यहां लगाया था, कभी यहीं से रिलीज किया होगा मास लगा के और छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा ध्यान से देखना, ये मास काफी नीचे गया पहले, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, और अल्टीमेटली यहां पे रेस्ट पे आ गया। कोई ये नहीं कहेगा कि स्प्रिंग यहां से यहां आया फिर यहां पे आया फिर रुक गया, नहीं, स्प्रिंग एक्चुअल में इससे नीचे गया था, एकदम झटका लगता है एकदम, फिर ऊपर आता है, फिर रुकता वहां पर नहीं है, थोड़ा ऊपर आके रुकता है। तो ये कितनी नीचे गया था वो इसका सेकंड पार्ट है। अभी सिर्फ ये देखो कि काफी देर के बाद ये रुक जाएगा और अल्टीमेटली कहां रुका, यहां पे रुक जाएगा, कोई डाउट इसमें? और लेट अस सपोज ये जो पोजीशन है ये रेस्ट पे है, यहां पे इस पोजीशन को बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस केस में एक्स नॉट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की एक्सपेंशन भी तो ऑब्वियसली, स्प्रिंग पहले खुला नहीं था, कितना खुल गया भाई, एक्स नॉट। अच्छा ठीक है, यहां तक एक्स नॉट, एक्स नॉट, हाँ इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या एक्सपेंशन दिस स्प्रिंग एक ही बात है, स्प्रिंग कितना एक्सपेंड हुआ, एक्स नॉट दिख रहा है ना, यहां तक तो स्प्रिंग एक्सपेंडेड नहीं था ना, तो ओरिजिनल पोजीशन पे था, तो एक्स नॉट ही एक्सपेंशन है और एक्स नॉट इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक चीज समझ लो, जब भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का आएगा, इक्विलिब्रियम का, तो उस केस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग मस्ट बी इक्वल टू, इक्विलिब्रियम ऑलवेज मीन नेट फोर्स इज जीरो, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स इज जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको कौन नीचे खींच रहा है, एम जी, और यहां पे रुका हुआ है ना, तो कौन इसको ऊपर खींच रहा है, स्प्रिंग की फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, माइनस के इन टू एक्स नॉट, माइनस साइन तो ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो के एक्स नॉट होता है, तो इसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो करनी है तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू
ऊपर की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वेट करते, तो नीचे और ऊपर की फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ गई, जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक, अब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक, यहां से यू कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ गई, एम जी बाई के। तो न्यूमेरिकल आते हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इसकी एक्सपेंशन जब ये मास रेस्ट पे आ गया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकलेगी, फोर्स से। तो फोर्स को इक्वेट करोगे नीचे और ऊपर की, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई डाउट इसमें? तो आज के बाद अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने को आए, निकल जाएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव शीट्स आएंगी स्प्रिंग्स की, तो आप खुद अप्लाई करना। मैं सिर्फ आपको ये हिंट देता जा रहा हूं कि ऐसे कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम। मैं ही कर दूंगा फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप खुद ढूंढना उसमें। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम, नेक्स्ट केस है। कोई किसी बुक में ऐसी कोई थ्योरी नहीं गिवन, मैं आपको ये बता दूं, वैसे ये सिर्फ मेरा अपना जो है बुक्स में से जो हम देखते आते हैं कि लोग ना डाउट्स बहुत पूछते हैं, ऐसा तो ये स्प्रिंग की प्रॉब्लम अब कैसे करेंगे अब, तो डाउट सारे इकट्ठे किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, ताकि हमारे पास कम से कम डाउट आए। आप खुद ही कर लोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो है, सपोज करो आपके पास फिर से एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड है, और आपने सपोज करो नीचे मास लगा दिया था, तो अल्टीमेटली ये रेस्ट पे आ गया था यहां पे, एम मास किस पे, रेस्ट पे। रेस्ट की जगह क्या हो सकते हैं, कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस था ये अभी हमने निकाला कितना, एक्स नॉट, और स्प्रिंग का कांस्टेंट के है। यहां तक तो हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व, और एक्स नॉट अगर पूछा जाए तो आप निकाल भी सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इस मास को इस पॉइंट पर एक वी वेलोसिटी दी, जर्क दिया। अब ये मास रेस्ट पे पड़ा हुआ था, लेकिन वी वेलोसिटी की वजह से ये नीचे आ गया, और कहां आ गया, लेट अस सपोज यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, कितना एक्सपैंड हो गया, एक्स और एक्सपैंड हो गया। ठीक, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। अब मैक्सिमम एक्सपेंशन का मतलब क्या हो सकता है, एक्स नॉट तो पहले खुला हुआ था, एक्स आपने और खोल दिया, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन का आंसर क्या होगा, एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, तो फर्स्ट मेथड से निकाल ही सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा, अब ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम समझ में आ गई यहां तक, डायग्राम बना लो फिर करते हैं सॉल्व। अगर वर्ड इक्विलिब्रियम आ जाए या रेस्ट आ जाए, वो क्वेश्चन एनर्जी से कभी नहीं सॉल्व होगा, वो फोर्स से होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, ना कि नेट एनर्जी जीरो। एनर्जी जीरो नहीं होती कभी भी वैसे तो। ठीक है, यहां तक फोर्स से सॉल्व किया, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये आपने इसको वी वेलोसिटी दी, ये नीचे गया फॉर एन इंस्टेंट, रुका और फिर ये ऊपर चला जाएगा, इसको क्रॉस करता हुआ ऊपर जाएगा, फिर इसको क्रॉस करता हुआ नीचे आएगा, एंड टू एंड फ्रो मूव करेगा। ठीक, और एनर्जी लॉस नहीं है तो फिर हमेशा के लिए मूव ही करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं।
बट द पॉइंट इज कि मेरे को तो एक्स निकालना है, और सबसे बड़ी बात ये पेंडुलम की तरह याद है, पेंडुलम पहले इधर एक्सट्रीम पे जाता था, वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम पे, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ती थी, फिर यहाँ जीरो। हम ये तो नहीं कहते थे कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो और हमेशा वो रेस्ट पे आ गया, नहीं, फॉर एन इंस्टेंट रेस्ट पे आए फिर वो मूव करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है। इसमें भी सेम है, फॉर एन इंस्टेंट वो रेस्ट पे आया फिर वो ऊपर चला गया। और ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन, मूविंग है ना, मूव कर रहा है सिस्टम, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स की एनर्जी विल रिमेन सेम। फोर्स से नहीं करना, फोर्स से तब करना है जब सिस्टम परमानेंटली जैसे पहले केस में किस पे आ गया था, रेस्ट पे, फिर वो फोर्स से होगा। तो चेंज ही नहीं हो रहा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम ही फोर्स से होती है। और मूविंग, जब कोई बॉडी मूव ही करती जा रही है हमेशा, कोई भी दो पॉइंट्स लिए जाएंगे तो उनकी एनर्जी कंजर्वेशन। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव थी, स्प्रिंग की फोर्स भी मैं बता दूं वैसे कंजर्वेटिव होती है। तो स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन इसके ऊपर वैलिड है। कैसे लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन, देखें आप कोई भी दो पोजीशंस चूज कर लो जो आपको पसंद है, ऑब्वियसली कोई बीच में क्यों करेगा, आपको वी वेलोसिटी यहां गिवन है, एक पोजीशन तो यही लोगे, और आपको यह भी पता है फॉर एन इंस्टेंट यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और आपको एक्स निकालना है, तो आप दो पोजीशंस ये चूज करोगे, एक ये और एक ये, ठीक है यहां तक। और लोअर पोजीशन को आप हमेशा क्या मान लेते हो, ग्राउंड है। एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक, और यहां पर एक और एनर्जी आएगी, कौन सी, स्प्रिंग एनर्जी। अभी तक पेंडुलम के केस में दो एनर्जी चल रही थी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इसमें तीसरी भी आ गई, पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग, ठीक। पोटेंशियल मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी मींस स्प्रिंग की एनर्जी। तो यहां पर और यहां पर इन तीनों का सम विल रिमेन सेम, इन दो पॉइंट्स पर तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब देखो वैल्यूज पुट कर लें, स्टार्ट करते हैं। अगर ये ग्राउंड है और ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, x, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एम जी एक्स, कोई डाउट इसमें? पोटेंशियल पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी बोलो यहां पर क्या होगी, हाफ एम वी, ये भी ठीक है, वी वेलोसिटी दी थी। स्प्रिंग एनर्जी बोलो यहां पर कितनी होगी, या रेस्ट पे था, नहीं होगी, होएगी, क्यों होएगी, आप ये चीज सिर्फ स्प्रिंग से देखो, आप स्प्रिंग से पूछो क्या तो एक्सपेंडेड है अभी कि नेचुरल लेंथ पे है, तो यहां पर स्प्रिंग क्या बोलेगा कि मैं नेचुरल लेंथ पे हूं, नहीं, मैं खिंचा हुआ हूं, कितना बाय एक्स नॉट, एक्स नॉट खिंचा हुआ है, तो यानी कि उसकी एक्सपेंशन कितनी है, एक्स नॉट। और जब जब किसी भी स्प्रिंग में एक्सपेंशन या कंप्रेशन है उसमें एनर्जी तो पक्का होगी, तो बोलो कितनी एनर्जी होगी इसमें, हाफ के एक्स नॉट का, स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। तो यहां पर आपने ये नहीं देखना कि स्प्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, मैं क्यों लूं एनर्जी, स्प्रिंग के केस में बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, अगर स्प्रिंग एक्सपेंडेड है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, फिर यानी कि उसकी स्प्रिंग एनर्जी होगी। तो यहां पर स्प्रिंग एक्सपेंडेड है, ये नेचुरल लेंथ है, और कितना एक्सपेंडेड है, एक्स नॉट, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? फिर से शुरू करते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे बोलो, लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक कितनी, जीरो, वेलोसिटी जीरो है। स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी, हाफ के, स्प्रिंग से पूछो तो कितना एक्सपेंडेड है, एक्स नॉट प्लस, ठीक, तो यहां पर आएगा एक्स नॉट प्लस एक्स का होल, समझ में आ रहा है स्प्रिंग एनर्जी यहां पर क्या होगी, ठीक। और अगर हम इन्हें इक्वेट कर लें, दैट इज एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, तो यहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, एक्स या फिर एक्स नॉट प्लस एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, यहां से आंसर आ जाएगा। वो तो न्यूमेरिकल में देखेंगे ना, ये तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स करा रहा हूं,
मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा, न्यूमेरिकल में तो सारी वैल्यूज गिवन होंगी ना, मास की भी के की भी, तो आपके पास एक छोटी सी क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स की फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स आएगा। वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, पर समझ में आ रहा है कैसे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन में आ रही है कैसे लगेगी, क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पहले मैंने यहां पर x निकाला, x नॉट निकाला, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि मैं x ये नहीं लूंगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैं सीधा ही ले लूंगा, ये कितने x मैक्स, मैक्सिमम एक्सपेंशन इतनी है एक ही बारी में, तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ये सीधा x मैक्स ले लिया तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x मैक्स माइनस, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg इंटू एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, काइनेटिक में सेम रहेगी और स्प्रिंग एनर्जी सेम रहेगी। ऐसी यहां पर स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो इनको इक्वेट कर लेना एक ही बारी में एक्स मैक्स आ जाएगा, ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज, आपकी मर्जी है। मेरे कहने का मतलब मैं ये दो एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं, आपकी मर्जी है, कोई ये एक्स लेगा फिर एक्स नॉट ऐड करेगा, कोई सीधा ही एक्स मैक्स ले लेगा, जिसको जो पसंद है आप कर लो, दोनों में आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। बट समझ में आ रहा है, देखो डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, आप जैसे मर्जी लेंथ को कंसिडर करो, आपकी मर्जी है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये तो एक एक्सपीरियंस है बेसिकली। तो स्प्रिंग की प्रॉब्लम कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि यही एक्स लो या एक्स मैक्स लो, क्या सिखाएगा कोई, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आप क्या एक्सपेंशन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, अपना केस कैसे बनाते हो, ये तो एक्सपीरियंस है। आपको क्वेश्चंस पकड़ के सॉल्व करने ही पड़ेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और स्प्रिंग की क्या प्रॉब्लम आएगी क्या मालूम, कैसे कंप्रेस करवाएगा वो आपको, क्या दो सिचुएशंस देगा, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। और स्प्रिंग की लास्ट प्रॉब्लम कि सपोज, लेट अस सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, ये अनकंप्रेस्ड है, अनकंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड नहीं है, बस नेचुरल लेंथ पे है। एक मास m विद अ वेलोसिटी ऑफ v इसकी तरफ आ रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम, और वो इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस कर देता है कुछ ऐसे बाय डिस्टेंस ऑफ x। आपको निकालना है x कितने, कंप्रेस करेगा ना, और फिर अलग बात है स्प्रिंग खुल जाएगा, मास वापस भी आएगा, वो आएगा तो आएगा, एक बार तो कंप्रेस कर देगा पूरी तरीके से। यहां तक देखो, जब तक स्प्रिंग इसके पास नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये मास इसके पास, तो कंप्रेशन ही स्टार्ट होगा, तो क्या हाफ एम इसके मूव ही करता आ रहा है, उसकी कौन सा एनर्जी लॉस होनी है। तो मान लो जब ये यहां पर इसको टच करता है इस तरीके से और स्टार्ट करता है कंप्रेशन विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, अब स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगेगी, फोर्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स कब लगाए, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और एनर्जी कब लगाएं, फोर्स तो स्टैंडर्ड है, फोर्स तो लगेगी ही तब जब परमानेंटली सिस्टम किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में, समझो फोर्स है, सिस्टम चल रहा है, कंप्रेस किया, फिर पता है कि इसको स्प्रिंग को एक्सपैंड भी होना है, वापस भी आएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन है किसी भी दो पॉइंट्स पे,
कैसे? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जहां वो रुका, जहां वो रुका उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इसकी वेलोसिटी यहां पर वी, तो यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग, और जब रुक गया फॉर एन इंस्टेंट, पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग, दिस विल रिमेन सेम। ठीक, तो कौन कौन से दो पॉइंट्स लिए? एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, वन एंड टू पॉइंट, ये दो पॉइंट्स लिए। ठीक है यहां तक? ठीक, ठीक है यहां तक? अब इसमें स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी? जीरो। ग्राउंड पे तो है ऑब्जेक्ट, इसमें भी कितनी? जीरो। ग्राउंड पे तो है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं आने वाली। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी बोलो यहां पर कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी? जीरो। स्प्रिंग एनर्जी बोलो यहां पे कितनी? जीरो। स्प्रिंग यहां पर कंप्रेस नहीं हुआ था, और यहां पर स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो चुका है? एक्स। वेयर एक्स इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की एनर्जी बोलो कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है था? और एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट यहां और यहां की एनर्जी सेम, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एम वी स्क्वायर बाय के, या एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू कितना? तो इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई? स्प्रिंग एनर्जी में। और जब स्प्रिंग खुलेगा ना, तो स्प्रिंग की एनर्जी तो हो जाएगी जीरो। यहां पे फिर से ब्लॉक को क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो सेम वेलोसिटी से वो चल पड़ेगा। बट रूल लगाना आ रहा है, हाउ टू अप्लाई दिस एनर्जी कंजर्वेशन, कोई डाउट इसमें? तो दो शीट्स आपको ट्राई करके लानी है नेक्स्ट।